उजागर करना चाहेंगे तो ये हमारे माननीय मोदी जी, वास्तव में ये श्री राम। इतना कहने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है, भुजा उठाकर भी कह सकता हूं कि ये श्री राम है, क्योंकि इनका जो सोच है ये देश की रक्षा के लिए साक्षात राम रूपी कौच है। लेकिन उनके आदेशों का पालन हमारे प्रदेश सरकारों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मंदिरों में ताले बंद हैं, प्रवचन कथा कहीं नहीं हो रही है। इतना परेशान है, त्रस्त है, तो भी देश की रक्षा के हित के लिए हम सब तैयार हैं कि माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो कह रहे हैं वो श्री राम की वाणी है, उसे हम और आप सम्मान करेंगे। और सम्मान के साथ तभी सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य भलाई बढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं। पर इतनी अनंत अत्याचार केवल राजा रावण के राज्य में त्रेता युग में हुआ था। रावण के भाई कुंभकर्ण जी थे, वो क्या करते थे, हे खाया महिषा और मदिरा पाना, हो खाया महिषा यौराव मदिरा पाना, हो गर गए यसो ब्रज घात समाना। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे 6 महीने सोने का और 1 महीने जागने का। जब कुंभकर्ण बड़े वंश में थे, ब्राह्मण वंश में थे, जब वो जागते थे तो भैंसा भैंस कटवाते थे, जीवों की हत्या करवाते थे और भैंसा का मांस भैंस का खाके मदिरा पीते थे। हे भगवान, मदिरा पीकर मांस खाकर लंका में देखिए क्या हुआ। लंका में कुंभकर्ण का दल, रावण दल कोई बचा, सबका सर्वनाश हो गया मदिरा और मांस में। और वही लंका में भक्त विभीषण था जो नौ तुलसियों की सेवा करता था, राम राम जपता था, उसी को प्रभु जाकर के तिलक किए और राजधिराज बना दिए। कंस के राज्य में भी यही अत्याचार होता था, माताएं बहने अपने पतियों के पांव पकड़कर भीख मांगती हैं सुहाग की कि हे पतिदेव, किसी जीव की हत्या करने आप मत जाएं, मदिरा मत पिए, क्योंकि ये मदिरा देवताओं के लिए नहीं है, ये मदिरा दैत्यों के लिए है। सृष्टि जब शुरू में एक ही पिता के माता दो थी, एक माता से देवता और एक माता से दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी। जब समुद्र मंथन किए थे मदिरा निकला था, वो मदिरा दैत्य गढ़ ही लिए थे, अमृत लेकर भी भगे थे, पर भगवान विष्णु विश्वमोहि का रूप धारण करके अमृत को लेकर देवताओं को पिलाए। उसी देव सभा में एक राक्षस भी आकर बैठा था, अमृत पिया प्रभु ने जाना, सुदर्शन चक्र चलाया, हर और शर अलग हुआ, तो भी अमर है उसका राहु और केतु नाम से 9 ग्रहों में देव पद दिया गया। आज हमारे भारत भूमि पर मदिरा बिक रहे हैं, लाइन लगी है लोगों की, लाइनें लगी हैं देहात में, बाजार में, गलियों में, मार्केटों में, जहां भी देखें माताएं बहने रो रही हैं कि महाराज जी, मदिरा पी के आते हैं हमारे पति, हम लोगों को बहुत मार रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं, हम लोगों को रहना भोजन करना हराम हो गया है, ये कौन सा राज्य है। समस्त माताओं बहनों से कहता हूं कि अब हमारे धरती पर राम राज्य का स्थापना अवश्य होने जा रहा है। हमारे धरती पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री राम के रूप हैं, जो राम राज्य का स्थापना करने का वचन दे चुके हैं। जैसा कि आज पूरे प्रदेश की आंकड़ों की बात किया जाए, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के आंकड़ों की। ज्यादातर मामले ऐसे घटनाओं में सामने आती है। अगर निजी किसी थाना स्तर की भी बात किया जाए तो दिन में 10 से 20 शिकायतें थाने में आती हैं, लेकिन उसमें से 10 से 15 प्रकरण ऐसे आएंगे जिसमें शराब जैसे मामलों का जिक्र किया जाता है। कल भी ऐसे ही देखा गया कि किसी सिंगरौली जिले की घटना सामने आई, उस पर एक थाने का मामला था कि अब तक यहाँ मोटरसाइकिल का पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट हो जाना बिना शराब के, ऐसे 1-2% मामले आते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लगातार मामला बढ़ रहा है,
एक ओर देश के और प्रदेश के सभी जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, आला अफसर हैं, कलेक्टर हैं, जितने भी हैं, आज सब कोरोना महामारी के बीच हम सबका सहयोग के लिए हम सबके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, और उसी बीच सोशल डिस्टेंस का हवाला देते हुए भी शराब दुकान को चालू करना और इस तरह से कारनामा करना, इससे इनका क्या मतलब वो हो सकता है? देखिए, देश का रक्षा है तो दया और धर्म करने से, और इधर हमारे भारत भूमि पर मदिरा बिकता रहेगा, जीवों की हत्या, चाहे मुर्गा हो, मछली हो, बकरा हो, चाहे जो भी जीव, एक चिड़िया भी, वो ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन यमन सकल सुख राशि, जितने भी जल चर थल चर नभ चर नाना, जड़ चेतन जाह जीव जहाना, जितने भी जीव हैं सब राम जी के ही आत्मा अंश है। हमें अगर कोई जबरदस्ती काटेगा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा यह नहीं मरेगा। आत्मा स्वप्न देखता है, स्वप्न देखता है, ये शरीर को छोड़कर कहीं चला जाता है, अगर नहीं लौटा तो ये मिट्टी पड़ी रहती है। हम ये कहना चाहेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि अपने भारत भूमि में आपने राम राज्य की स्थापना का आवाज हर भूमि पर दे चुके हैं, उसका सम्मान हो और भारत मदिरा और मांस से मुक्त देश हो। किसी भी प्रदेश में मदिरा नहीं बिकना चाहिए। मदिरा के जगह पर अगर राम राज्य की स्थापना हमारे प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं तो राम राज्य में दूध की नदी बहती है। काहे की नदी बहती है? दूध की नदी बहती है, और कृष्ण के राज्य में घी की नदी बहती है। राजा अगर राम दूध की नदी बहाते हैं तो आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राम हैं। आज पूरे प्रदेशों में, अपने 2900 प्रदेशों में दूध की नदी बहाएं। दूध की अगर नदी बहने लगी तो निश्चित है कि यहाँ मानवता आ जाएगी, मनुष्य जान जाएगा कि माता पिता ही देवता हैं, गुरु भगवान हैं, दया धर्म ही हमारा प्रथम कर्म है। और जब तक अपने भारत भूमि में मदिरा बिकेगा, मदिरा से सरकार हमारे फायदा कमाएंगे। अरे भैया, वो दूध की नदी बहाकर आप दूध से फायदा ले लें। जो जीवों की आज हत्या हो रही है उसके जगह पर आप ऐसे भोजन व्यंजन 56 प्रकार का इस पृथ्वी पर हमारे प्रभु ने कंद मूल से लेकर फल जल अन्न तैयार किए हैं, तो सब जीवों की हत्या न हो, क्योंकि राम राज्य में बकरा और शेर एक घाट पे पानी पीते हैं, बकरा को डर नहीं लगता, शेर को कभी भूखे नहीं लगता है कि हमें शेर खा जाएगा, वो है राम राज्य। अगर राम राज्य है तो राम राज्य में किसी भी जीव की आंखों में आंसू नहीं बहना चाहिए। आज मदिरा से आप जितने भी मौत देख रहे हैं, जितनी भी रोड एक्सीडेंट देख रहे हैं, जितना भी मार हो रहा है, जितना भी फौजदारी हो रही है, जितना भी जो भी कुछ हो रहा है, केवल मदिरा पीने से ही हो रहा है, क्योंकि मदिरा पीने से सुरा है। उस सुर में आदमी किसी की हत्या भी कर देने में पीछे नहीं हट रहे हैं, और पी के गाड़ी लेकर चले किसी को मार देने में, अपने तो मरेंगे ही लेकिन सामने वाले को भी मार देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर देश में मदिरा बिकता है तो देश का रक्षा नहीं हो सकता है। ये राज तब कुंभकर्ण रावण का राज्य है। अगर देश में मदिरा मांस से मुक्त, यहां दूध घी की नदी बहा दी जाए, अवश्य संसार में सुख शांति आ जाएगी, निश्चित सुख शांति आ जाएगी, यही कहूंगा। आज हमारे इस पेज पर हम लाइव दिखा रहे थे पंडित रमेश तिवारी जी महाराज। आज का हमारा विषय था, जिस विषय पर हम उनकी राय जान रहे थे, देश में जो आज अलग अलग राज्यों के राज्य सरकारों द्वारा फैसला ली गई है शराब की दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चालू करने की, और जिस तरह से एक और अन्य कर्मचारी हमारी रक्षा के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रहे हैं, जहां कोई नियम उल्लंघन करता है उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही होती है, तो देखा जाए कि आखिर इस
शराब दुकान खुलने का और इससे होने वाले नुकसान का और इस सोशल डिस्टेंस की जिस तरह लाइन लगाकर लोग शराब खरीद रहे हैं, और निश्चित ही जब लोग शराब के नशे में होते हैं तो उन्हें सोशल डिस्टेंस या किसी भी अपने परिवार की जब परवाह नहीं होती तो फिर उन्हें सोशल डिस्टेंस का कैसे परवाह होगी और इसका दोषी कौन होगा, हम अगले मीटिंग में फिर से जानेंगे। और आप अभी अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे देशवासी मदिरा मुक्त भारत बनाएं, जीवों की हत्या मुक्त ये देश बनाएं, किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, मदिरा हमारे भारत भूमि पर किसी भी प्रदेश में नहीं बिकना चाहिए, यहाँ दूध और घी की नदी बहानी चाहिए। जो आज मदिरा के दुकान सुबह से शाम खोल करके लोगों की हत्या हो रही है, मर रहे हैं, अपने घर से चावल गेहूं उठा कर ले जाके बोरा से बेच करके शराब पी रहे हैं, बच्चे घर में तड़प रहे हैं, भोजन की लाला लगी हुई है, घर में निर्मा साबुन नहीं है, पत्नियां रो रही हैं, और पति आज आनंद लेने के लिए, मेरे भाई मैं यही कहना चाहूंगा हे देशवासियों, समस्त हमारे भारत भूमि के देशवासियों से यही मेरा कहना है कि मदिरा और जीव की हत्या मुक्त ये हमारा भारत देश, तब राम राज्य आ सकता है। राम राज्य में किसी के देह में ना तो दैहिक ना तो कोई दैविक आपदा प्राकृतिक, दैहिक ना भौतिक कोई ताप नहीं रहता, सब सदाचारी रहते हैं, सब सुंदर रहते हैं, सब सुखी रहते हैं, सब समृद्धि पाते हैं, और सब श्री राम नाम का ही जय जयकार करते हुए चारों भाई अपने अपने धर्म और कर्म पे चलते हैं, वही पूर्ण विश्राम मिलता है, यहाँ तो मिलता ही है सुख शांति, पर अंत में भी हरि का धाम है। यही कहना चाहूंगा कि भारत